हेलो स्टूडेंट्स आई एम एजुकेटर इन आर टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास नाइन चैप्टर थर्टीन सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एंड एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन सो यू कैन वॉच दैट वीडियोज ऑन माई चैनल प्ले लिस्ट सो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स रहेंगे हमारे क्यूब क्यूबोर्ड सिलेंडर कौन एंड स्पीयर इन सभी के टोटल सरफेस एरिया कर्ड सरफ़ेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में हम इस चैप्टर नंबर थर्टीन में डिस्कस करेंगे सभी जो हमने शेप्स डिस्कस की थ्री डी शेप्स हैं और इन सब के फॉर्मूलाज के बारे में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लिया है और एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन में हमने क्यूब और क्यूबॉयड के टोटल सरफेस एरिया और कर्ड सरफेस एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस कर लिया है सो so, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माई चैनल्स प्ले लिस्ट सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो जिसमें हम एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट टू को डिस्कस करेंगे इसका हमारा मेन टॉपिक रहेगा सिलेंडर और इसमें हम सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया और कर्ड सरफेस एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे सिलेंडर जैसे हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कई एग्जाम्पल्स हम डेली लाइफ में ले सकते हैं जैसे गैस सिलेंडर है या कोई मेजरिंग जार है जैसे मैं आपको एक डेमो दिखाती हूँ जैसे ये मेरे पास शेप है ये शेप कैसी है एक सिलेंडर शेप की है इस सिलेंडर में स्टूडेंट्स दो फेस हैं एक सर्कुलर हमारे पास बॉटम है और टॉप भी हमारे पास सर्कुलर शेप का होगा और एक हमारे पास बीच का पार्ट है जिसको हम कर्ड सरफेस बोलेंगे तो स्टूडेंट्स सिलेंडर बेसिकली कितने पार्ट से मिलकर बना है थ्री पार्ट से मिलकर बना है टॉप बॉटम और जो हमारे पास बीच का पार्ट है टॉप और बॉटम में क्या होता है दोनों सर्कुलर होते हैं और जो बीच का पार्ट होता है अगर हम उसको जैसे यहाँ से कट करें तो क्या होगा स्टूडेंट्स ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप की एक शीट आएगी तो स्टूडेंट्स इन सभी पार्ट्स के बारे में भी हम इस वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे सो टोटल सरफेस एरिया कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है स्टूडेंट्स जो बीच का पार्ट है टॉप और बॉटम को छोड़कर तो बीच में इस टाइप की हमें शीट मिलेगी ये किसके इक्वल जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगल है रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं लेंथ इन टू ब्रेथ के इक्वल होता है ब्रेथ क्या क्या है यहाँ पे हाइट है तो ब्रेथ हमारे पास क्या है यहाँ पे हाइट बट लेंथ कितनी है वो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स सर्कुलर बेस है तो हाइट क्या होगी जितनी सर्कल की हमारे पास क्या है सरकम है तो सर्कम ऑफ सर्कल के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है टू पाई आर सो ये हमारे पास टू पाई आर लेंथ हो गई और ब्रैथ क्या हो गई एच सो लेंथ इंटू ब्रैथ क्या होता है टोटल जो हमारे पास रेक्टेंगल होता है उसका एरिया होता है सो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है फ्रेंड्स टू पाई आर इन एच और टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा स्टूडेंट्स हम कर्उ सरफेस एरिया भी, भी लेंगे टॉप का एरिया भी लेंगे और बॉटम का एरिया भी लेंगे टॉप और बॉटम में क्या है हमारे पास दो सर्कल हैं सर्कल का एरिया किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है सो so, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्यर इक्वल टू टू पाई आर स्क्र क्योंकि दो सर्कल है सो टू पाई आर स्क्र प्लस कर्ड सरफेस एरिया हमारे पास क्या था टू पाई आर एच तो so, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स टू पाईआर स्क्र प्लस टू पाई आर एच यहाँ पर टू पाई आर यहाँ पर आर स्कर है तो आर टू टाइम है यहाँ पर टू पाई आर दोनों जो हमारे पास है इन दोनों स्टेटमेंट में यहाँ पर दोनों में कॉमन है तो टू पाई आर कॉमन लेंगे यहाँ से तो रिमेनिंग क्या रहेगा यहाँ आर कॉमन ले लिया तो वन टाइम आर रिमेनिंग रहेगा और यहाँ पे टू पाई आर कॉमन ले लिया तो एच रिमेनिंग रहेगा सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए क्या फॉर्मूला बना हमारा टू पाई आर इन आर प्लस एच नाउ लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट टू फर्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स एज्यूम पाई इक्वल टू तो ट्वेंटी टू बाई सेवन जहां पर भी पाई का हम यूज करेंगे पाई के प्लेस पर हमें ट्वेंटी टू बाई सेवन का यूज करना है सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कर्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट फोर्टीन सेंटीमीटर एट्टी एट सेंटीमीटर स्कोयर फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर तो देखिए स्टूडेंट हमें क्या गिवन है एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी गिवन है फोर्टीन सेंटीमीटर और हमें क्या गिवन है कर्ड सरफेस एरिया में ये जो एरिया है बीच का टॉप और बॉटम को छोड़कर ये बीच का जो पार्ट है इसका एरिया हमें कितना गिवन है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर तो हमें क्या फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स डायमीटर ऑफ बेस बेस का जो है डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है डायमीटर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स रेडियस का डबल होता है तो हमें स्टूडेंट्स रेडियस फाइंड आउट करनी है उसके बाद रेडियस को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा डायमीटर ऑफ सिलेंडर सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को सो देखिए स्टूडेंट्स गिवन गिवन हमें क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू एटी एट सेंटीमीटर स्क्वेयर एच हाइट इक्वल टू फोर्टीन सेंटीमीटर फोर्टीन सेंटीमीटर हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स रेडियस हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स डायमीटर तो डायमीटर के लिए पहले हम क्या एज्यूम करते हैं लेट रेडियस इक्वल टू जो रेडियस है वो किसके इक्वल हमने ली है आर के इक्वल ली है सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कर्ड सरफेस एरिया कवर्ड सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला स्टूडेंस टू पाई आर एच सो टू पाई आर एच इक्वल टू एटी एट सेंटीमीटर स्केयर यह हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है और ये भी हमें स्टार्टिंग में गिवन है जहाँ भी पाई है उसके प्लेस पर हमें ट्वेंटी टू बाई सेवन को यूज करना है सो टू मल्टीप्लाई विद पाई के प्लेस पे पुट करेंगे ट्वेंटी टू बाई सेवन आर के प्लेस पे आर और एच कितनी गिवन है हमें फोर्टीन दैट इक्वल टू एटी एट ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमें आर को फाइंड आउट करना है आर को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे बाकी रिमेनिंग क्वांटिटीज को हम राइट right साइड में शिफ्ट करेंगे तो टू यहाँ मल्टीप्लाई में है तो राइट right साइड में जाके डिवाइड में जाएगा ट्वेंटी टू बाई सेवन है तो राइट right साइड में जाके अपोजिट हो जाएगा मीन्स ट्वेंटी टू नीचे आ जाएगा और सेवन ऊपर और इसी टाइप से फोर्टीन मल्टीप्लाई में है तो फोरटीन डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स सेवन टू ज़ा फोरटीन यहाँ से ट्वेंटी टू फोर ज़ा एट्टी एट एंड टू टू जोर सो रिमेनिंग क्या आया यहाँ पे वन यानी रेडियस आर किसके इक्वल आया हमारा वन के इक्वल तो so हमें डायमीटर को फाइंड आउट करना था डायमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स टाइम्स रेडियस तो friends, two radius. So two से जब रेडियस का डबल कर देते हैं तो हमें डायमीटर मिलता है सो टू मल्टीप्लाई विद रेडियस क्या है यहाँ पे वन है सो टू मल्टीप्लाई विद इक्वल टू टू सेंटीमीटर दिस इज डायमीटर ऑफ दिस रिक्वायर्ड सिलेंडर नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री इज अब मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर आउटर डायमीटर इज बीइंग 4.4 सेंटीमीटर सी फिगर 13.11 फाइंड इट्स इनर कर्ड सरफेस एरिया आउटर कर्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया तो देखिए स्टूडेंट्स हमें एक सिलेंडर गिवन है सिलेंडर की शेप का है स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमें एक इनर एक आउटर दो टाइप का हमें इंफॉर्मेशन गिवन है मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जब इनर की बात होगी मीन सिर्फ अंदर की बात होगी सिर्फ अंदर की डायमेंशनस का हम यूज करेंगे और आउटर में क्या होगा स्टूडेंट्स जो इसकी थिकनेस है ये जो मोटाई है इसको भी हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पे आउटर में आउटर सरफेस एरिया में ओके स्टूडेंट्स सो रेडियस चेंज होगी अंदर की क्या होगी रेडियस कम होगी और बाहर की बाहर में ये जो इसकी थिकनेस है मोटाई है इसको भी इंक्लूड करेंगे तो बाहर की रेडियस क्या होगी स्टूडेंट्स ज़्यादा होगी तो इसलिए हमें यहाँ पर अलग अलग क्या गिवन है रेडियस गिवन है तो जो अंदर की रेडियस है है सिलेंडर हमारे पास मोटाई में है, मोट... मोटा थिक थिक मेटल का बना है तो क्या होगा स्टूडेंट्स जो अंदर की रेडियस है अंदर का हमें क्या गिवन है डायमीटर है वो फर फोर सेंटीमीटर गिवन है तो फोर सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस कितने बनेंगे स्टूडेंट्स अंदर वाली रेडियस दैट इक्वल टू डायमीटर का हाफ फोर बाय टू इक्वल टू टू सेंटीमीटर आउटर डायमीटर डायमी फोर पॉइंट करेंगे तो टू पॉइंट टू तो टू पॉइंट टू रेडियस सो अंदर की जो रेडियस है जो अंदर की रेडियस है सिर्फ अंदर के पार्ट को इंक्लूड करें वो हमें टू सेंटीमीटर गिवन है और अगर इसकी थिकनेस को भी इंक्लूड करें तो रेडियस कितनी गिवन है हमें टू पॉइंट टू सेंटीमीटर हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया तो अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स रेडियस इनर रेडियस यूज करेंगे फार्मूला क्या होता है टू पाई आर एच आर के प्लेस पे टू पुट करेंगे आउटर करड सरफेस एरिया के लिए हम रेडियस 4.4 का हाफ दैट इक्वल टू 2.2 यूज़ करेंगे फार्मूला क्या रहेगा सेम रहेगा टू पाई आर एच सेम रहेगा उसमें आर के प्लेस पे 2.2 पॉइंट पुट करेंगे नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर हमें टोटल सरफेस एरिया को फाइंड आउट करना है तो हमें इस क्वेश्चन में थ्री पार्ट्स को फाइंड आउट करना है सो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिलेंडर है इस सिलेंडर की हाइट कितनी गिवन है 77 और स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है यहाँ पे दो सर्कल यहाँ पे बनेंगे एक अंदर का सर्कल और एक बाहर का सर्कल क्योंकि हमें दो रेडियस गिवन है तो ये जो अंदर की रेडियस है वो हमें कितने गिवन है स्टूडेंट्स टू सेंटीमीटर और जो बाहर जो थिकनेस के बाद जो रेडियस है वो हमें कितने गिवन है टू सेंटीमीटर सो इनर रेडियस को हमने आर वन लिया है वो कितनी बनेगी टू टू सेंटीमीटर फोर का हाफ टू सेंटीमीटर और आउटर रेडियस को हमने आर टू ले लिया दैट इक्वल टू फोर पॉइंट फोर का हाफ दैट इक्वल टू टू पॉइंट टू सेंटीमीटर हाइट हमें कितने गिवन है सेवेंटी सेवन सेंटीमीटर सो फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा टू पाई आर वन एच आर वन इनर रेडियस आर वन है इसीलिए सो टू मल्टीप्लाई विद पाई के प्लेस पे ट्वेंटी टू बाई सेवन आर वन के प्लेस पे टू और एच के प्लेस पे सेवनटी सेवन तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे सेवन सेवन वन जा सेवन सेवन वन जा सेवन टू टू जा फोर फोर इलेवन जा इलेवन फोर ज़ा फोर्टी फोर फोर्टी फोर की और ट्वेंटी टू की मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड सिक्सटी एट हमारे पास आ गया इनर कर्ड सरफेस एरिया इसी टाइप से सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा टू पाई आर टू एच यहाँ पे आर टू आउटर रेडियस यूज होगी आउटर रेडियस कितनी है टू पॉइंट टू सो टू मल्टीप्लाई विद पाई के प्लेस पे ट्वेंटी टू बाई सेवन मल्टीप्लाई विद रेडियस के प्लेस पे टू पॉइंट टू मल्टीप्लाई विद हाइट सो सेवन इलेवनज़ा सेवन सॉरी यहाँ पे सेवन इलेवनजा यहाँ पे सेवन वन जैवन सेवन वन जैवन मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो दैट इक्वल टू वन थाउजेंड सिक्सटी फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर स्क्वेयर तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स आउटर कर्ड सरफेस एरिया थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया हमें क्या पता है स्टूडेंट्स किसी भी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स बीच में जो पार्ट होता है उसका सरफेस एरिया बीच के पार्ट का जो एरिया होता है दैट इक्वल टू करड सरफेस एरिया प्लस बॉटम का एरिया प्लस टॉप का एरिया बट स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे इनर रेडियस डिफरेंट गिवन है और आउटर रेडियस डिफरेंट गिवन है तो टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला तो सेम रहेगा हमारा दैट इक्वल टू इनर सरफेस एरिया प्लस आउटर सरफेस एरिया प्लस टू टाइम्स ऑफ टू टाइम्स हमने क्यों लिया स्टूडेंट्स क्योंकि एक बॉटम है और एक टॉप है टाइम्स ऑफ ऑफ एरिया रिंग रिंग हमने क्यों क्यों यूज यूज किया किया स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स सर्कल नहीं क्योंकि हमें अंदर की रेडियस अलग गिवन है और बाहर की रेडियस अलग गिवन है और ये क्या है स्टूडेंट्स अंदर से होलो है खाली है तो इसीलिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे टू टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रिंग्स मीन ये जो बाहर का एरिया है उसमें से हम अंदर का एरिया सब्टैक्ट करेंगे तो ये जो येलो पार्ट है उसका एरिया हमारे पास आ जाएगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे एरिया ऑफ रिंग फाइंड आउट करेंगे एक रिंग का फाइंड आउट करेंगे उसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉप और बॉटम दोनों का एरिया हमारे पास आ जाएगा सो so, इसके लिए एरिया ऑफ रिंग इक्वल टू हम क्या करेंगे एरिया ऑफ सी वन माइनस एरिया ऑफ सी टू मीन्स बाहर का कर्ड सरफेस बाहर का एरिया में से अंदर के एरिया को सब्टैक्ट करेंगे बाहर का एरिया क्या बनेगा स्टूडेंट्स एरिया ऑफ सर्कल शेप तो दोनों की क्या है सर्कल सो पाई आर टू स्कर माइनस पाई आर वन स्क्वेर मीन्स इस सर्कल के बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल के एरिया को सब्टैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो येलो पार्ट का एरिया है वो आ जाएगा यही हमें लेना है तो पाई पाई को यहां से कोमल लेंगे रिमेनिंग क्या रहेगा अंदर आर टू स्क्यर माइनस आर वन स्क्यर तो यहाँ से पाई इन टू आर टू की वैल्यू कितनी है यहाँ से ट्वेंटी टू और आर वन की वैल्यू टू सो टू पॉइंट टू स्क्र माइनस टू स्क्र अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है आप डायरेक्टली यहाँ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इसको आप और इजिली सोल्व कर, 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 करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हमें क्या पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्र इक्वल टू ए माइनस बी इन टू ए प्लस बी तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स वन टाइम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वन टाइम दोनों को ऐड कर देंगे ए क्या है यहाँ पे टू पॉइंट टू बी क्या है यहाँ पे टू सो टू पॉइंट टू प्लस टू और टू पॉइंट टू माइनस टू तो देखिए स्टूडेंट्स पाई को हमने कॉमन लिया है पाई इंटू टू पॉइंट टू प्लस टू इक्वल टू फोर पॉइंट टू और टू पॉइंट टू माइनस टू इक्वल टू जीरो पॉइंट टू सो पाई पाई के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे ट्वेंटी टू बाई सेवन मल्टीप्लाई विथ फोर पॉइंट टू है डेसिमल को हटाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स फोर्टी टू डिवाइडेड बाय टेन और जीरो पॉइंट टू में भी टू को हटाएंगे तो टू बाई टेन तो यहाँ से फोर सिक्स फोर्टी टू और यहां से जब हम सॉल्व करेंगे इक्वल तो एरिया ऑफ रिंग आ गया हमारे पास मिस जो हमारे पास एक सर्कल है उसका एरिया आ गया बट सिलेंडर में तो दो सर्कल है एक टॉप में और एक बॉटम में इसलिए इस फॉर्मूला में हम वैल्यू को पुट करेंगे टोटल सरफेस एरिया दैट इक्वल टू कर्ड सरफेस एरिया इनर सरफेस एरिया प्लस आउटर सरफेस एरिया तो इनर और आउटर हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लिया है सो so इनर कितना है नाइन हंड्रेड नाइन हंड्रेड सिक्सटी एट सेंटीमीटर स्केयर प्लस आउटर कर्ड सरफेस एरिया कितना है प्लस टू टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रिंग वन रिंग का एरिया कितना है हमारे पास टू तो 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी सो टू पॉइंट सिक्स फोर मल्टीप्लाई विद टू इक्वल टू फाइव पॉइंट टू एट और सबको ऐड करेंगे दैट इक्वल टू टू थाउजेंड थर्टी एट पॉइंट जीरो एट सेंटीमीटर स्क्वायर यही हमारा टोटल सरफेस एरिया आएगा इस सिलेंडर के लिए ओके okay, स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इज और क्वेश्चन नंबर फोर काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स और बहुत ईजी भी है कई स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है बट स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्वेश्चन में नहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग में होती है अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो ध्यान से देखा है तो आप इजिल इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे सो देखिए स्टूडेंट्स द डायमीटर ऑफ रोलर इज एटी फोर सेंटीमीटर्स सेंटीमीटर एंड लेंथ इज वन ट्वेंटी सेंटीमीटर इट टेक्स फाइव हंड्रेड कम्पलीट रिशंस टू कम्पलीट वेवल द प्लेग्राउंड ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्कोर तो हमें का हमें क्या गिवन है डायमीटर कितना गिवन है एट्टी फोर सेंटीमीटर और इसकी लेंथ हमें कितने गिवन है वन ट्वेंटी सेंटीमीटर नेक्स्ट हमें क्या गिवन है इट टेक्स फाइव हंड्रेड कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर लेवल द ग्राउंड प्ले ग्राउंड ग्राउंड के ऊपर वन टाइम उसको रोल करने में कम्प्लीट जो जितना लंबा हमारे पास प्ले ग्राउंड है उस पूरे प्ले ग्राउंड पर जाने के लिए उसको फाइव हंड्रेड कम्प्लीट रिवोल्यूशन फाइव हंड्रेड उसको कम्प्लीट राउंड राउंड चक्कर लगाने पड़ते हैं तो हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड बताना है तो देखिए स्टूडेंट्स मान लीजिए हमारे पास रोलर है इसमें हमें क्या गिवन है इसका डायमीटर डायमीटर कितना गिवन है हमें 84 सेंटीमीटर तो हम क्या निकालेंगे रेडियस रेडियस कैसे निकालेंगे डायमीटर का हाफ करके सो so, 84 का हाफ करेंगे तो डिवाइड करेंगे टू से टू फोर जाए टू टू, टू जा फोर सो so, फोर्टी टू सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से रेडियस नेक्स्ट हमें क्या गिवन है रोलर की लेंथ गिवन है लेंथ किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स सिलेंडर की हाइट के इक्वल होगी क्योंकि रोलर इसी शेप का होता है सिलेंडर शेप का होता है बट रोलर तो ऐसे होता है रोड पे चलने के लिए इस टाइप से रोल करेगा तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी सिलेंडर की हाइट के इक्वल होगी जो कितनी गिवन है हमें 120 सेंटीमीटर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है नेक्स्ट हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स इसको 500 हंड्रेड कम्प्लीट रिवोल्यूशन लगाने पड़ते हैं एक बार प्ले ग्राउंड को लेवल करने के लिए मीन्स देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं इस रोलर को इस पेज पे कंप्लीट रोल करवाऊ तो देखिए स्टूडेंट्स इसको वन रिवोल्यूशन कब कंप्लीट होगा मान लीजिए इसने यहां से चलना स्टार्ट किया आप देख सकते हैं हम एक निशान लगाएंगे जब ये वन टाइम घूमकर वापस इसी पोजीशन में आएगा यहां तक तो आपका वन रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा तो इस टाइप से इसने कितने टाइम रिवोल्यूशन किया 500 हंड्रेड रिवोल्यूशन लगाए तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स जब भी ये रिवॉल्व करेगा राउंड राउंड चक्कर लगाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स क्या इसका टॉप और बॉटम टच होंगे बिल्कुल नहीं होंगे स्टूडेंट्स या फिर आप देख सकते हैं ये, ये टॉप है और ये बॉटम है बिल्कुल टच नहीं होंगे क्या टच होगा ग्राउंड के साथ ओनली इसका कर्ड सरफेस यूज होगा तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमें यहाँ यूज करना है कोई कई स्टूडेंट्स के डाउट यही होते हैं कि हमें मैम यही पता नहीं चलता कि हमें टोटल सरफेस एरिया लेना है कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है या फिर वॉल्यूम लेना है तो देखिए स्टूडेंट्स वॉल्यूम की तो यहां बात ही नहीं होगी क्योंकि यहाँ हमें किसी मटेरियल को अंदर से फिल करना होता है या जिससे कोई मटेरियल बना होता है तभी हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं यहां पर टोटल सरफेस एरिया भी यूज नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि जब रोलर घूमेगा तो सिर्फ उसका टॉप और बॉटम यूज नहीं हुआ सिर्फ बीच का पार्ट होगा जो हमारा कार्ड सरफेस एरिया है तो वन इसको जो वन टाइम रिवॉल्व करने में कितना कार्ड सरफेस एरिया होगा यूज टू पाई आर एच ऐसे कितने टाइम इसने यूज किया अपना कर्ड सरफेस एरिया को फाइव टाइम तो वही क्या होगा इसका टोटल जो इसका एरिया ऑफ प्ले हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स सो देखिए स्टूडेंट्स हेयर आर मींस रेडियस इक्वल टू फोर्टी फोर्टी टू सेंटीमीटर एंड एच एच या फिर एल एरिया ऑफ प्ले लेवलिंग इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन एक जब रिवोल्यूशन लगाता है तो वन टाइम हो, होगा विद पाई के प्लेस पे ट्वेंटी टू बाई से मल्टीप्लाई विद आर के प्लेस पे फोर्टी टू और एच के प्लेस पे वन ट्वेंटी इनको कट करके सोल्व करेंगे तो ये एरिया क्या हुआ स्टूडेंट्स एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड कब जब एक रिवोल्यूशन जब वन टाइम इसने राउंड लगाया बट ऐसे ऐसे कितने राउंड लगा है? लगाए हैं स्टूडेंट्स रोलर ने फाइव हंड्रेड राउंड लगाए हैं तो देखे स्टूडेंट्स एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड इक्वल टू जो हमारे पास वन रिवोल्यूशन में जो एरिया कंप्लीट किया यानी थर्टी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एटी मल्टीप्लाई किस करेंगे फाइव हंड्रेड से दैट इक्वल टू सो वन करोड़ फिफ्टी एट लैख फोर्टी थाउजेंड सेंटीमीटर स्क्वेयर के इक्वल हमारे पास क्या है क्या आया एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। ग्राउंड बट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था स्टूडेंट्स ये हमारे पास एरिया आया सेंटीमीटर स्क्वेयर में हमें एरिया किस में निकालना है क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है कि एरिया हमें मीटर स्क्वेयर में फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट्स सेंटीमीटर से मीटर में जब कन्वर्ट करते हैं वन मीटर इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर है टू टाइम सेंटीमीटर यूज हुआ तो हंड्रेड से टू टाइम हमें डिवाइड करना पड़ेगा तो स्टूडेंट्स दो जीरो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल यहाँ पे दो जीरो से फिर से दो जीरो कैंसिल तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहेगा वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट्टी फोर मीटर स्क्वायर यही हमारे पास क्या है, क्या आएगा एरिया ऑफ नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन इज फाइंड लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर इन हाई तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ लेटरल या फिर कर्ड सरफेस एरिया निकालना है क्लोज सिलेंडर का पेट्रोल स्टोरेज टैंक है जो सिलेंड्रिकल शेप का है जिसकी हमें डायमीटर गिवन है 4.2 मीटर और हाइट गिवन है 4.5 मीटर सेकेंड पार्ट में हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ वन बाई ट्वेल्थ ऑफ स्टील एक्चुअली यूज वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक तो देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है एक हमारे पास क्या है सिलेंडर शेप का एक टैंक है इस टैंक का हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स लेटरल या फिर कर्ड सरफेस एरिया निकालना है तो कर्ड सरफेस एरिया के लिए स्टूडेंट्स टॉप और बॉटम का एरिया हम काउंट नहीं करेंगे सिर्फ बीच के पार्ट का एरिया काउंट करेंगे उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है टू पाई आर एच नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूजड कितने स्टील को एक्चुअली यूज किया गया है इफ़ वन बाई ट्वेल्थ ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग टैंक अगर इस टैंक को बनाते हुए वन बाय ट्वेल्थ ऑफ जो एक्चुअली स्टील यूज़ किया गया उसका वन बाय ट्वेल्थ पार्ट वेस्ट हो गया तो ये जो टैंक है कितने स्टील से बना है तो कितने स्टील से बना है उसमें स्टूडेंट्स जो वन बाय ट्वेल्थ होगा उसको हम सब कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअली जो स्टील यूज हुआ है वो आ जाएगा तो देखिए स्टूडेंट्स सो so, हमें गिवन क्या है डी मीन्स डायमीटर दैट इक्वल टू टू आर इक्वल टू फोर पॉइंट टू मीटर हमें गिवन है तो यहां से रेडियस निकालेंगे तो फोर पॉइंट टू डिडेड बाई टू सो रेडियस इक्वल टू फोर पॉइंट टू डिडेड बाई टू दैट इक्वल टू 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 झा फोर टू वन जा वन सो 2.1 मीटर और हाइट कितने की है स्टूडेंट्स 4.5 मीटर सो लेटरल और कर्ड सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला है 2 पाई आर एच सो 2 मल्टीप्लाई विद पाई की वैल्यू कितनी है 22 टू बाई सेवन मल्टीप्लाई विद आर की वैल्यू 2.1 और एच की वैल्यू 4.5 तो जब इन सबको मल्टीप्लाई करके आप सोल्व करेंगे दैट इक्वल टू फिफ्टी मीटर स्केयर सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स के जो सिलेंड्रिकल शेप का हमारे पास पेट्रोल टैंक है जो टैंक है उसमें कितना स्टील एक्चुअल में यूज हुआ सो so, स्टूडेंट्स जब भी टैंक बनाएंगे तो पूरे टैंक में मटेरियल यूज होगा उसके टॉप में भी होगा और उसके बॉटम में भी यूज होगा और साइड में भी होगा तो so, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया सो टोटल सरफेस एरिया का हमारे पास क्या फॉर्मूला है टू पाई आर इन टू आर प्लस एच हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे टू मल्टीप्लाई विद पाई की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी टू बाई सेवन आर की वैल्यू कितनी है रेडियस टू पॉइंट वन इन टू आर आर क्या है रेडियस टू पॉइंट वन और एच हाइट कितनी है फोर पॉइंट फाइव सो टू मल्टीप्लाई विथ ट्वेंटी टू बाई सेवन मल्टीप्लाई विथ टू टू पॉइंट जो ब्रैकेट में उसको पहले हम सोल्व करेंगे टू पॉइंट वन प्लस फोर पॉइंट फाइव दैट इक्वल टू सिक्स पॉइंट सिक्स सो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे दैट इक्वल टू एट्टी सेवन पॉइंट वन टू मीटर हमारे पास टोटल क्या आया सरफेस एरिया आया इस सिलेंडर का बट स्टूडेंट्स हमें गिवन क्या है स्टील वेस्टेड जो हमारे पास ये स्टील आई ये कितने आई स्टूडेंट्स वेस्ट होने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट बचा वो हमारे पास स्टील है ये तो जो स्टील वेस्ट हुई हमें क्या गिवन थी वन बाय ट्वेल्थ हो टोटल सरफेस एरिया सो वन बाई ट्वेल्थ ऑफ टोटल सरफेस एरिया कितना था एटी सेवन पॉइंट वन टू वन बाई ट्वेल्थ पार्ट निकालेंगे यहाँ से कट करने के बाद हमारे पास कितना आएगा सेवन पॉइंट टू सिक्स मीटर स्क्वेयर सो स्टील एक्चुअली यूज कैसे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया में से जो स्टील वेस्ट हुआ उसको सब्टैक्ट करेंगे टोटल सरफेस एरिया कितना था 87.12 सेवन करेंगे जो स्टील वेस्ट हुआ दैट इक्वल टू 94.38 मीटर स्क्वायर तो स्टूडेंट्स अगर हमने ऐसे क्वेश्चन को किया तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा गलत क्यों गलत होगा स्टूडेंट्स क्योंकि जो हमने स्टील इसमें यूज़ किया है उसका वन बाय ट्वेल्थ वेस्ट नहीं हुआ है वन बाय ट्वेल्थ वेस्ट होने के बाद जो स्टील रिमेनिंग बचा है वो कितना है एट्टी सेवन पॉइंट वन फोर मीटर स्केयर है यही इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स रॉन्ग कर देते हैं इसके साथ ही उनके मार्क्स भी डिडक्ट हो जाते हैं तो हमें यहाँ पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है क्या हमें कैसे करना पड़ेगा ये जो दो लाइन है ये बिल्कुल रॉन्ग हैं तो राइट right कैसे करेंगे हम टोटल सरफेस एरिया यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही था उसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट्स स्टील यूज्ड इन टैंक कितना स्टील यूज हुआ दैट इक्वल टू एक्चुअली यूज स्टील माइनस वेस्टेड स्टील एक्चुअल में जो यूज हुआ उसमें से स्टील जो वेस्ट हो गया वो किसके इक्वल है स्टूडेंट स्टील जो टैंक में यूज हुआ उसके इक्वल है सो एटी सेवन पॉइंट वन टू इक्वल टू एक्चुअली यूज स्टील मान लीजिए हमने एक्स स्टील का यूज किया और वेस्टेड स्टील क्या है वन बाय ट्वेल्थ ऑफ एक्स मीन्स वन बाई ट्वेल्थ ऑफ एक्स तो वन बाई ट्वेल्व एक्स तो यहां से हम सॉल्व करेंगे एक्स माइनस वन बाई ट्वेल्व टाइम्स कैसे सॉल्व करेंगे यहां से देखिए स्टूडेंट x माइनस x, x तो यहां से सॉल्व करेंगे तो एल्थी हम लेंगे ट्वेल्व एक्स बाय करेंगे वन से डिवाइड करेंगे ट्वेल्व को दैट इक्वल टू ट्वेल्व और ट्वेल्व की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे that equal to 12, x minus. 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 1 मल्टीप्लाई विद इक्वल टू एक्स सो टक्वल टू इलेवन एक्स बाय ट्वेल्व तो ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है हमारे पास ये राइट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई हमारे पास 11 बाय ट्वेल्व एक्स की इक्वल हो गई और दैट इक्वल टू किसके हमारे पास 87.12 इक्वल हमें गिवन है तो यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 12 यहां पे डिवाइड में है राइट right साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और इलेवन यहां मल्टीप्लाई में है तो राइट right साइड में जाके डिवाइड में जाएगा 11 से कट करेंगे तो 7.92 और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इक्वल टू नाइन्टी मीटर स्क्र इतने स्टील का जो है एक्चुअली यूज किया गया टैंक को बनाने में ओके स्टूडेंट्स सो यही हमें करना है हमें क्या गिवन था कि ये जो टोटल सरफेस आया स्टूडेंट्स जो स्टील आई हमारे पास ये रिमेनिंग है हमारे पास जो टोटल स्टील हुई उस थी उसका वन बाय ट्वेल्थ पार्ट वेस्ट होने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग स्टील बची टैंक के लिए वो हमारे पास ये है तो एक्चुअली तो यूज जो स्टील यूज की गई टैंक में वो किसके इक्वल है एक्चुअली यूज यूज स्टील माइनस वेस्टेड स्टील तो एक्चुअल में कितनी यूज जो स्टील यूज की गई टैंक में वो क्या है टोटल सरफेस एरिया दैट इक्वल टू एटी सेवन पॉइंट वन टू माइनस मान लीजिए एक्चुअली यूज स्टील कितनी है एक्स तो वेस्टीज स्टील कितनी बनेगी वन बाय ट्वेल्थ होफ एक्स इनको सॉल्व करेंगे दैट इक्वल टू इलेवन बाय ट्वेल्व एक्स दैट इक्वल टू एट्टी सेवन पॉइंट वन टू और यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सेवन पॉइंट नाइन मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा नाइन्टी फाइव पॉइंट जीरो फोर मीटर सो स्टील यूज इन मेकिंग टैंक जीरो से वन बाई ट वेस्ट हो गया तो टोटल सरफेस एरिया जिस स्टील की हेल्प से टैंक को बनाया गया वो कितनी स्टील रिमेनिंग बची दैट इज एटी से नाउ क्वेश्चन नंबर टेन इज इन फिगर थर्टीन पॉइंट

इसको कवर करने के लिए क्लोथ चाहिए जिसके लिए कवर करने के लिए क्या किया गया स्टूडेंट्स तो हम इसको साइड में से कवर करेंगे हम इसके टॉप और बॉटम में कवर करने के लिए 2.5 सेंटीमीटर का क्लोथ एक्स्ट्रा छोड़ेंगे तो कितने क्लोथ की रिक्वायरमेंट होगी इस लैंप शेड को कवर करने के लिए तो देखिए स्टूडेंट्स मान लीजिए लैम्प शेड है इसको टॉप और बॉटम से कवर नहीं करना है सिर्फ बीच के पार्ट को कवर करना मीन्स लेटरल सरफेस एरिया नेक्स्ट हमें क्या गिवन है कि टॉप और बॉटम में 2.5 2.5 सेंटीमीटर एरिया एक्स्ट्रा यहाँ पे मारिजन के लिए छोड़ा गया है फोल्ड करने के लिए तो कितने क्लोथ की रिक्वायरमेंट होगी इस लैम्प शेड को कवर करने के लिए सो so स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है कवर्ड सरफेस एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन था रेडियस फाइंड आउट करेंगे डायमीटर कितना गिवन था ट्वेंटी तो ट्वेंटी सेंटीमीटर था तो रेडियस कितने आएगा ट्वेंटी का हाफ दैट इक्वल टू टेन सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस आ गई हाइट हाइट कितनी आएगी स्टूडेंट्स जो टोटल हाइट इस जो लैम्प शेड की गिवन थी वो थर्टी थी थर्टी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर का क्लोथ एक्स्ट्रा ऊपर से छोड़ना है और टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर का यहाँ पर हम इस लैंप शेड की हम हाइट की बात नहीं करेंगे स्टूडेंट्स हम क्लॉथ की हाइट की बात करेंगे क्लॉथ 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से एक्स्ट्रा छोड़ना है और 2.5 सेंटीमीटर नीचे से एक्स्ट्रा छोड़ना है तो क्लॉथ की लेंथ कितनी आएगी 30 30 जो टोटल हाइट है इस लैम्प शेड की 2.5 ऊपर से एक्स्ट्रा मारिजन सो प्लस टू और नीचे से भी टू सो फाइव प्लस टू पॉइंट फाइव थर्टी प्लस टू पॉइंट फाइव प्लस टू पॉइंट फाइव दैट इक्वल टू फाइव थर्टी प्लस फाइव इक्वल टू थर्टी फाइव सेंटीमीटर यहाँ पे क्या बनेगीवेंट so, सिर्फ बीच में से बीच के पार्ट को कवर करना है सो so, यहाँ आउट करना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इक्वल टू टू पाई आर एच है टू मल्टीप्लाई विद्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन आर की वैल्यू क्या है टेन और एच की वैल्यू क्या है थर्टी फाइव आप कट करेंगे 7, 5, 35. और यहाँ पे फाइव टू जा टेन और यहाँ पे ट्वेंटी हंड्रेड सो टू जीरो लगेंगी सो टू थाउजेंड टू हंड्रेड सेंटीमीटर के क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी इस लैम्प शेड को कवर करने के लिए नाउ क्वेश्चन नंबर इलेवन एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर इलेवन इज द स्टूडेंट्स ऑफ अद्यालय टू पार्टिसिपेट इन अम्पिटिशन फॉर मेकिंग पेन होल्डर्स इन शेप ऑफ सिलेंडर विद बेस यूजिंग कार्डबोर्ड तो स्टूडेंट्स किसी विद्यालय में है पेन होल्डर्स बनाए बनाए गए हैं बनाने के लिए बोला गया है स्टूडेंट्स को किस शेप के सिलेंडर शेप के ईच पेन होल्डर वॉज टू बी ऑफ रेडियस थ्री सेंटीमीटर एंड हाइट टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर जो पेन होल्डर होगा उसकी रेडियस होगी थ्री सेंटीमीटर और हाइट होगी टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कंपिटेटर्स विद कार्डबोर्ड तो जो विद्यालय वाले हैं वही कार्डबोर्ड दे रहे हैं स्टूडेंट्स को इफ़ देयर वर थर्टी फाइव कंपिटेटर्स अगर टोटल जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो थर्टी फाइव हैं तो कितने कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी कंपटीशन के लिए ये हमें फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट्स आपको पेन होल्डर का नाम सुनते ही और किस शेप का है सिलेंडर शेप का है आपको पेन होल्डर की शेप माइंड में आनी चाहिए पेन होल्डर क्या होगा स्टूडेंट्स ये हमारे पास कर्ड सरफेस एरिया होगा बॉटम से भी होगा एरिया हमारे पास बट टॉप से क्या होगा ओपन वाई बिकॉज इसके अंदर हमें पेन रखने हैं इस टाइप से तो टॉप का एरिया हम नहीं लेंगे सिर्फ कर्ड सरफेस एरिया और बॉटम का एरिया हम इसमें इंक्लूड करेंगे ओके okay, स्टूडेंट्स सो देखिए स्टूडेंट्स रेडियस यहाँ पे कितनी गिवन है थ्री सेंटीमीटर हाइट कितनी गिवन है पेन होल्डर की दैट इज फाइव सेंटीमीटर तो सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर किसके इक्वल आएगा सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर प्लस एरिया ऑफ बेस इस पेन होल्डर का कर्ड सरफेस एरिया और बेस बेस का एरिया टॉप से क्या होगा ओपन होगा सो कर्ड सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास टू पाई आर एच और एरिया ऑफ बेस सिर्फ बेस का हमें एरिया लेना है बेस किस शेप का है स्टूडेंट्स सर्कल शेप का है तो सर्कल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं पाई आर स्क्वायर तो यहाँ से टू पाई आर एच टू मल्टीप्लाई विद पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन आर की वैल्यू थ्री और एच की वैल्यू टेन पॉइंट फाइव प्लस पाई मीन्स ट्वेंटी टू बाई सेवन मल्टीप्लाई विद आर स्क्वायर दैट इक्वल टू थ्री स्क्वायर यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स ड्रेड एट्टी डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आएगा आप इसको यहां से डेसिमल में भी फाइंड आउट कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स बट हमने कट नहीं किया है कट क्यों नहीं किया आपको अभी समझ आ जाएगा सो so, यहाँ पे क्या आया कितने कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी स्टूडेंट्स 1584 थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट्टी फोर बाय सेवन सेंटीमीटर स्क्वेयर कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी वन पेन होल्डर के लिए ओके स्टूडेंट्स सो दे आर फॉर एरिया ऑफ कार्डबोर्ड शीट यूज बाय वन कॉम्पिटेटर एक कॉम्पिटेटर को कितना कितना कार्डबोर्ड रिक्वायरमेंट होगी दैट इक्वल टू वन वन फिफ्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट्टी फोर डिवाइडेड बाई सेवन सेंटीमीटर स्क्वेयर कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी सो कितने कॉम्पिट कॉम्पिटेटर्स हैं वो थर्टी फाइव हैं वन को इतने कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट है तो थर्टी फाइव को कितनी रिक्वायरमेंट होगी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे थर्टी फाइव से सेवन वन जॉ सेवन सेवन फाइव ज़ा थर्टी फाइव फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वेयर ओके स्टूडेंट्स इसीलिए हमने यहाँ पे डेसिमल में नहीं निकाला क्योंकि फिर आप डेसिमल में निकालते हो और यहाँ सेवन की टेबल में थर्टी फाइव आता है ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा सो देयर फॉर सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वेयर कार्डबोर्ड शीट विल बी नीडेड फॉर कंपटीशन कंपटीशन के लिए इतनी शीट की रिक्वायरमेंट होगी ओके स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट टू कम्प्लीट होती है अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अपकमिंग वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट थ्री को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा कौन कौन के हम कव्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बारे में हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे